स्टूडेंट्स वेलकम बैक, वेलकम टू संदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम हमारे स्टैंडर्ड फिफ्थ का मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसका है हमारा चैप्टर नंबर 7 डेसिमल। देखिए डेसिमल्स क्या होते हैं और इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल क्या होता है, ये डॉट का साइन होता है, उसे आप डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, अभी इनको बोला डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको इसे डिवाइड करना, तो आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक जीरो है तो ऊपर से एक डिजिट काउंट करके हमें पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे वन काउंट किया पॉइंट, चाहे वो डिजिट कोई सी भी हो, वन हो टू हो थ्री हो, तो इसका आंसर हो गया 15.5। अब जैसे कि यहाँ पे 1000 दिया है, तो यहाँ पे डिजिट तो दो ही है, तो हमें कितने डिजिट चाहिए, थ्री डिजिट चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे तीन जीरो है, तो तीन डिजिट बनाने के लिए हम एक जीरो ऐड कर देंगे बाद में, नहीं पहले, वन वन और इसके आगे एक जीरो ऐड कर देंगे, देन पॉइंट लगाएंगे, वन टू थ्री, थ्री जीरो है तो थ्री डिजिट काउंट करके पॉइंट लगाया और एक जीरो लगा दिया। इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे दिया फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब क्या होता है, जब पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट का वन और जितने डिजिट होती है उतने जीरो, यहाँ पे दो डिजिट थे दो जीरो, यहाँ पे तीन डिजिट थे तो तीन जीरो। इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करनी है। जैसे कि यहाँ पे जीरो जीरो है तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का वन, तो जीरो भले ही हो नंबर लेना है, जीरो 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 मतलब नंबर की जगह हम क्या लगाते हैं, जीरो। नंबर कोई सा भी हो, चाहे जीरो से लेके वन तक कोई सा भी हो, तो जितने भी हो गए हम उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे काउंट करके। इसी तरह से यहाँ पे दिया ये सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है, तो वन मीटर पे कितने सेंटीमीटर होते हैं, हंड्रेड, तो वन सेंटीमीटर पे कितने मीटर हुए, इसको हम हंड्रेड से डिवाइड कर लेंगे, 1.73। इसी तरह से यहाँ पे मीटर किलोमीटर, वन मीटर में वन पर में 1000 किलोमीटर हो गए, और मिलीमीटर में वन लीटर में 1000 मिलीमीटर, सॉरी मिलीलीटर, और वन रुपये में 100 पैसा। ठीक है, इसी तरह से आपको उनको कन्वर्ट करके लिखना है। यहाँ पे हमने ऐड करना है, इनको रिक्वायर्ड दिया है कैसे, जैसे कि दिया हुआ है 1 + 0 1 1 + 8 9 9 + 5 14 1 14 का कैरी ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, एंड 1 एंड 1 2। ओके, इसी तरह से आपको उनको सब्ट्रैक्शन भी करना है, 4 का 14 हो जाएगा, इसको आपको पूरा इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। इसी तरह से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम कंप्लीट करने हैं। चलिए देखिए एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ। 4 का हमने 14 किया, 9 का हमने 8 कर लिया, क्योंकि एक नंबर कम हो जाता है ये अपना कैरी दे देता है, तो 14 में से 7 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा 17, तो 3 का क्या हो जाएगा 2, 17 में से 8 माइनस कितना बचा हमारा 9, और पॉइंट यहाँ पे क्या जाएगा 0। ओके, इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल क्या होता है, इस पॉइंट को डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। देखिए 10th पार्ट यानी कि 0.1, 100th पार्ट यानी कि 0.01, 1000th के लिए 0.001। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि आपको बोला एक डिजिट के बाद जीरो लगा पॉइंट डिवाइड करना, डेसिमल लगाना, तो 10 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट लगाया कर, लेकिन अगर इसको करेंगे तो इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, दो जीरो तो दो डिजिट चाहिए, तो हमने एक जीरो और लगा लिया फिर पॉइंट लगा। इसी तरह से इसमें तीन डिजिट चाहिए, तो एक डिजिट तो हमारी 1 हो गई, तो दो डिजिट और चाहिए तो दो जीरो और लगा लिए, 1 2 3, फिर थ्री डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दिए। इसी तरह से ये आंसर हो गए। ओके, यहाँ पे आपको दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो देखिए कैसे होता है। ये पहले जो नंबर होते हैं ये वंस टेंस हंड्रेड्स इस तरह से चलते हैं, फिर कैसे चलता है, फिर उल्टा चलता है, टेंस वंस नहीं आता, टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स, टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स। ओके, इसी तरह से ये नंबर चलते हैं, तो इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखिए। देखिए ये हमारा नंबर था, 3 था हमारा वंस, ये टेंस, ये थाउजेंड, आपको पता ही ये वंस टेंस और ये थाउजेंड, ये टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड्स होते हैं, तो वंस टेंस थाउजेंड को हम कैसे लिखते हैं, हंड्रेड हंड्रेड यानी 100 के नीचे आया तो दो जीरो, 4 10 की प्लेस पे है तो एक जीरो, 3 वंस की प्लेस पे तो 3, अब बचा ये 218, तो ये कौन सी प्लेस पे है, टेंथ प्लेस पे तो टेंथ, 100 प्लेस पे तो 1/100, 8000 प्लेस पे 8/1000। इसी तरह से फिर इनको पॉइंट पे चेंज करके लिखेंगे तो इस तरह से इनका आंसर बन जाएगा। अब देखिए एक डिजिट के, एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 2 के पहले पॉइंट आ गया, 0 आ गया, अभी दो डिजिट है तो एक ही है तो एक जीरो और लगा लेंगे, देखिए एक जीरो और आ गया, इससे पॉइंट फिर 0। अब यहाँ पे एक ही है तो हमें कितने डिजिट चाहिए, 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दो जीरो और ऐड कर लेंगे, दो जीरो 8 के आगे ऐड कर लिए, फिर पॉइंट लगा के 0 लगा दे। चलिए अगला पढ़ते हैं कंपेरिजन ऑफ डेसिमल,
कि नंबर्स अगर दिए होते हैं तो डेसिमल में उनको कैसे कंपेयर करते हैं। फर्स्ट कंपेयर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ डेसिमल, कि डेसिमल के पहले के पार्ट होते हैं उसके कंपेयर करेंगे। देन हम क्या करेंगे, द डेसिमल विथ बिगर इंटीग्रल पार्ट इज बिगर, जिस डेसिमल का पार्ट बड़ा होगा वो बड़ा नंबर होगा। देखिए अगर आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि ये नंबर्स है इनको आप असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाइए, तो असेंडिंग ऑर्डर्स में कैसे लगाओगे। देखो ये थ्री है, ये थ्री है, ये थ्री है, ऑब्वियसली फोर तो बड़ा हो गया तो इस नंबर को तो बाद में, मतलब थ्री 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 सेम है। तो अब हम इसके पॉइंट के बाद का नंबर देखते हैं, इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, इसमें वन है, तो मतलब ये नंबर भी बड़ा हो गया, ये भी चला जाएगा। तो अब इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। अब जीरो जीरो तो सेम है, थर्ड प्लेस देखते हैं, इसमें थ्री है, इसमें जीरो है, तो छोटा नंबर कौन सा हो गया, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वन वाला, और लास्ट में ये वाला। ओ सॉरी, इसमें इससे पहले ये नंबर भी है, देखिए इसमें फोर है, इसमें फोर है, सेम है, इसमें जीरो है, इसमें जीरो सेम है, इसमें वन है, इसमें जीरो, तो ये कौन सा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये पहले आ गया और ये लास्ट में आ गया। और डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, इसका ये पूरा उल्टा हो जाएगा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये देन ये। ओके चलिए, आपको यहाँ पे बोला कि एक्सप्रेस इज डेसिमल, तो पॉइंट जीरो पॉइंट सेवन, यहाँ के एट के आगे कुछ नहीं है, तो दो दो जीरो एट, यानी कि पॉइंट और जीरो, क्योंकि यहाँ पे हमें तीन डिजिट चाहिए, तीन जीरो तो तीन डिजिट, यहाँ पे इसका देखिए तो कैसे हो जाएगा, वन पॉइंट जीरो जीरो जीरो, तीन डिजिट है, एक दो तीन डिजिट काउंट करके पॉइंट। ओके इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट। यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू दी है, तो ये हमारी कौन सी प्लेस हो जाती है, टेंथ प्लेस हो जाती है, टेंथ, तो एट अपॉन में टेन, ये कौन सी है, टेंथ, हंड्रेड थाउजेंड, तो ये टेंथ प्लेस है, ठीक है। इसी तरह से ये कौन सी होती है हमारी, टेंथ हंड्रेड, तो वन अपॉन में हंड्रेड, ये टेंथ प्लेस, ये अगेन टेंथ प्लेस, जिसकी प्लेस वैल्यू पूछिए हम लिख देंगे। और इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जीरो पॉइंट एट, इसी तरह से अगर हम इसे देखें तो कैसे लिख सकते हैं, जीरो पॉइंट जीरो वन, क्योंकि दो डिजिट काउंट करनी है, तो ए वन एक ही डिजिट है, वन, इसी में दिया तो इसमें जीरो दिया है, तो जीरो पॉइंट जीरो, क्यों, ये टेंथ प्लेस पे, तो जीरो पर में टेन होता, तो जीरो पर में टेन को कैसे लिखते हैं, जीरो पॉइंट जीरो। इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, एक मैं करके बताती हूँ, वैसे तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, चलिए देखिए यहाँ दिया है 43.874, ये होती है हमारी वंस, ये टेंस, ये हमारी टेंथ, ठीक है, टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, देखिए यानी कि फोर टेंथ के नीचे, सॉरी टेंथ के नीचे है 40 प्लस 3। अब डेसिमल के बाद के नंबर, देन डेसिमल के बाद के नंबर हम कैसे लेंगे, टेंथ प्लेस पे है 8 अपॉन में 10 प्लस 7 हंड्रेड प्लेस पे है 7 अपॉन में 100, 4000 प्लेस पे है 4 अपॉन में 1000। तब आप एक तो ये तरीका हो गया, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दूसरा इस तरह से भी लिख सकते हैं, 40 प्लस 3 प्लस 0.8 प्लस 0.0, एक डिजिट है ना, और हमें कितने चाहिए थे, दो, तो एक तो हमारे पास सेवन हो गई, तो दूसरा कुछ नहीं था तो हमने लगा ली। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अभी तीन डिजिट चाहिए, 0.004, एक हमारे पास फोर है, उधर तीन जीरो, तो इस तरह से आप ये लिखते हैं, कंप्लीट कर लेना है। ओके इसी तरह से आपको असेंडिंग डिसेंडिंग और कंपेरिजन भी करना है, फिर कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इनको पॉइंट हटा देना है, नीचे थाउजेंड्स लगा देने हैं, इस तरह से आपको एक पूरा सभी कंप्लीट करना है। इसके जो आई पार्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए एच और आई एक्सप्रेस एज डेसिमल्स बाय कन्वर्टिंग डिनोमिनेटर्स टू टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स एज रिक्वायर्ड। इनको क्या बोला है कि इनके डिनोमिनेटर्स को टेंस पे हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स पे करेक्ट कर मतलब चेंज कर लेना है अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। यानी कि देखिए आपको किस मेथड से करना है, आपको नंबर दिया 17 अपॉन 20, तो 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो और ऊपर जब 20 नीचे के नंबर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर 17 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 85, तो इसको इससे कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8। यानी कि अगर हम इस पार्ट को देखें, 50 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हंड्रेड या टेंथ में से कुछ बन जाए, तो 10 तो बनेगा नहीं, ऑलरेडी दो डिजिट है, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, ऊपर आया 179 को भी जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो 179 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 358, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.58। तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आएगा, 20 इंटू 5 हो जाएगा, 5 को किससे करेंगे कि
हंड्रेड या थाउजेंड कुछ बन जाए, इस तरह से आपको ये नंबर लेना है। अगर हम फाइव को टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें देख लीजिए फाइव टू से कितना हो जाता है, टेन हो जाता है, तो ऊपर का नंबर भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम फाइव से करेंगे तो ऊपर का नंबर भी फाइव से मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करना है देन उसका आंसर निकाल देना है। ओके, तो थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6। इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। एक्सप्रेस, अब आते हैं इस पार्ट पे, एक्सप्रेस एज डेसिमल यूजिंग डिविजन मेथड। डिविजन मेथड से एक्सप्रेस करना है, कैसे करना है देखिए। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, थ्री अपॉन फोर, देखिए दैट मीन्स कि आपको फोर को थ्री से डिवाइड करना है। तो पहली बात तो ये कि फोर कभी थ्री से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे एक जीरो लगा लेते हैं। दूसरा हम लगा लेते हैं एक पॉइंट, ये पॉइंट लगा लिया, अब हमने एक जीरो लगी, फोर फाइव सा थर्टी, थर्टी माइनस थर्टी इसको टू जीरो। ओके, तो इसका डेसिमल कितना आ गया 0.5। ओके, इसी तरह से अब ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया, आपको इसको कन्वर्ट कर लेना, सिक्स फाइव सा थर्टी, थर्टी प्लस थ्री थर्टी थ्री, तो थर्टी थ्री को फाइव से डिवाइड करना है। इसी तरह से आपको ये करने हैं।